अच्छा जी, चलें ओके अब चलें अब एक सुने वर्ड जी। का बाद में पूछना। हमारे पास जो अब टॉपिक है इसमें, वो सबसे पहले है कि हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करनी है फ्रॉम गिवन रूट्स। अगर हमें रूट्स गिवन हो, एक इक्वेशन के रूट्स को हम अगर पहले वाले को अल्फा कहते हैं तो दूसरे वाले को हम बीटा कहते हैं, ठीक है? तो अगर वो गिवन हो तो उसका एक फॉर्मूला है उसको फाइंड आउट करने का, और वो फार्मूला यहाँ पर रिटन है। और वो क्या है कि एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स। सम ऑफ रूट्स का मतलब आपको पता है कि दोनों रूट्स को ऐड कर दें, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का मतलब यहाँ पर क्या है कि भाई दोनों को मल्टीप्लाई कर दें। अब आपको एक रूट जो है वो मतलब दोनों रूट्स गिवन है तो एक को अल्फा मानोगे, दूसरे को बीटा मानोगे, और फिर उनको सम ऑफ रूट्स में ऐड करके लिख दोगे यहाँ पर। तो यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा लिख दोगे, और इस जगह पर अल्फा इंटू बीटा लिख दोगे। एग्जाम्पल पर डायरेक्टली आते हैं तो अगर आप देखो एग्जाम्पल वन, इसमें कह रहे हैं कि भाई फॉर्म अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद रूट्स 3 एंड 4। तो आपको एक रूट 3 दिया हुआ है, तो 3 को अगर अल्फा मान लिया तो 4 क्या होगा? बीटा होगा। और फिर हमने क्या करना है नेक्स्ट, आपको सम ऑफ रूट्स लिखा आपने, तो सम ऑफ रूट्स क्या होगा? 3 और 4 को ऐड कर दिया तो 7 आ गया। द सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हमारे पास क्या होगा इसमें? 3 और 4 को मल्टीप्लाई कर दिया, विच इज 12। सो द आंसर जो हमारे पास इसका आएगा, क्योंकि इक्वेशन फॉर्म करनी है तो उसमें आपने एक्स स्क्वायर माइनस एस यहाँ पे रिप्रेजेंट करा सम ऑफ रूट को, एंड पी रिप्रेजेंट कर रहा है प्रोडक्ट ऑफ रूट को। तो एस की जगह पर आपने 7 लिख दिया, तो एक्स स्क्वायर माइनस 7 एक्स हो जाएगा, और फिर प्लस पी यानी प्रोडक्ट ऑफ रूट प्लस 12। तो हमारे पास इस तरह से आंसर आ जाएगा। तो ये पहली एग्जाम्पल बहुत सिंपल सी थी, समझ में आ गई है बेटा आपको? हाँ आ गई। चलें जी नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करते हैं। सो नेक्स्ट एग्जाम्पल में यानी एक अलग टॉपिक है, इसके अंदर क्या करते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसकी रूट्स किसी एक खास टाइप के होते हैं, यानी रूट्स के अंदर कोई खास कंडीशन गिवन होती है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है भाई 2 अल्फा प्लस 1 एंड 2 बीटा प्लस 1, ठीक है? सो अगर ये 2 अल्फा प्लस 1 और 2 बीटा प्लस 1 कह रहे हैं, सवाल पहले देख लो फिर आपको सही आइडिया होगा। कह रहे हैं इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, एक इक्वेशन के रूट्स को अल्फा बीटा नाम दिया हुआ है। बोले हैं फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैविंग रूट्स दिस। अब आपके पास जैसे पहले 2 अल्फा प्लस 1 और 2 बीटा प्लस 1 दिया हुआ है, कोई सी भी दी जा सकती है इसकी जगह। व्हाट वी हैव टू डू इज, सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इस इक्वेशन के अल्फा और बीटा यानी अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यूज निकालनी पड़ेंगी। और फिर हम क्या करेंगे, फिर हम इस कंडीशन के हिसाब से देखेंगे कि हमारे पास क्या होने चाहिए थे, जो न्यू इक्वेशन होगी ना। पहले तो ये बताओ सवाल समझ में आ गया कि सवाल क्या कह रहा है, सवाल समझ आ गया, पर मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि 2 अल्फा कैसे प्लस सॉल्व टू करना है ना, ठीक वो तो मैं बता दूंगा आपको। क्वेश्चन अब आप है। जी सामने रखो कि भाई हमारे पास, हमें क्या गिवन है, हमें अल्फा अल्फा और बी बीटा इसके रूट्स हैं, ठीक है? ये बोल दिया है कि अल्फा बीटा इस इक्वेशन के रूट्स हैं, ठीक है? कह रहे हैं फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैविंग रूट्स, ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओ जिसके रूट्स ये हों, ठीक है? अब स्टार्ट करेंगे ना, जब जब इस टाइप के क्वेश्चंस को शुरू करेंगे जिसमें एक के एक रूट गिवन है, दूसरे के निकालने, दूसरी इक्वेशन बनानी है जिसके रूट्स, इसमें भी हमारे पास पैटर्न वही होगा कि पहली इक्वेशन से आप अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा निकालोगे, यानी सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, माइनस बी बीटा अपॉन इज ए, इक्वल टू कौन है। है ना? यहाँ पर ए बी सी आपको पता है कि ए जो है वो 2 है, ठीक है? दिस इज ठीक है, ए हमने एंड दिस इज इस बी एंड दिस इक्वेशन इज सी। निकालना है। हाँ, पहले हम इसके अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे, यानी सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालेंगे। फिर नेक्स्ट ठीक स्टेप है, में क्या होगा, फिर हम उसके हिसाब से सम ऑफ रूट यानी ये जो गिवन कंडीशन है ना, इसके हिसाब से सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होने चाहिए इसको फाइंड आउट करेंगे। पहले तो आप ये निकाल लो एल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आ रही है, माइनस बी अपॉन है अच्छा तो माइनस, और फिर माइनस माइनस थ्री माइनस अपॉन टू थ्री बनेगा। अपॉन ए क्या है 2। सो आंसर आ गया 3 अपॉन 2। इसी तरह अल्फा इंटू बीटा का आंसर, सॉरी प्लस लिख दिया, माइनस माइनस 5 अपॉन टू तो माइनस सी अपॉन ए, नहीं माइनस 5 अपॉन, सही है
सी अपॉन ए होता है ना। सो दीज आर द टू वैल्यूज हमारे पास जो आ गई। अब आप क्या करें, टू अल्फा प्लस बीटा के हिसाब से सम ऑफ रूट क्या होना चाहिए ये बताओ। सम ऑफ रूट होता है, पहला रूट है टू अल्फा प्लस वन, सो टू अल्फा प्लस वन प्लस टू बीटा प्लस वन, ये हमने क्या किया, सम ऑफ रूट, दोनों रूट्स को का सम कर दिया। ठीक है, टू अल्फा प्लस टू बीटा प्लस टू बनेगा, और फिर टू ये बन कॉमन जाएगा। निकल के बीटा हाँ बन जाएगा। सही है। सो टू हमने कॉमन निकाल लिया तो बन गया अल्फा प्लस बीटा, और मैं टू बाहर ही रहने, तो हमें किसी काम नहीं है इसका ना। अब इसमें अल्फा प्लस बीटा की जगह अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हम पहले से निकाल चुके हैं, क्या है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है 3/2। 3/2 थी ना सिर्फ। सो 3/2 हमने यहाँ पे यूज कर दिया, प्लस टू, टू से टू कैंसिल हो गया, 3 बचा, 3 + 2 इज 5। फाइव इक्वेशन होगी उसका सम ऑफ रूट 5 होगा। अब इसी तरह इनका प्रोडक्ट ऑफ रूट चेक कर लें, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट को सिंपली पी भी लिख दिया करो, क्या होगा, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 अल्फा प्लस 1 इंटू 2 बीटा प्लस 1। अब इनको मल्टीप्लाई करो, हमारे पास आता है सबसे पहले 2 अल्फा इंटू 2 बीटा, और अल्फा बीटा एंड प्लस, प्लस अल्फा प्लस शाबाश, प्लस वन। गुड। अब इसमें अल्फा बीटा तो आपको पता है, अल्फा इंटू बीटा कितने किसके बराबर है, 5/2, -5/2 प्लस, और फिर वहां से टू यहाँ पे निकल टू कॉमन जाएगा। निकलेगा तो अल्फा प्लस बीटा बनेगा। मैं अल्फा प्लस बीटा की जगह वैल्यू डाल दूंगा, अल्फा प्लस बीटा की, 5 अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 3/2 है ना बेटा, प्लस अच्छा, तो बाद में निकल के यहाँ 1। सही है। अब मेरे पास 2 से 2 यहाँ कैंसिल हो रहा है, यहाँ 2 1s are 2, 2s are, तो मेरे पास आंसर आया 2 - 5s are -10, -10 प्लस माइनस का 3 है ना, -10 + 3 + 1, सो ये आंसर आ जाएगा -6। ठीक है, सो प्रोडक्ट ऑफ रूट इज -6, सम ऑफ रूट इज 5। अब इसके हिसाब से आपने फॉर्मूला लगाना है, x² = माइनस सम ऑफ रूट, यही है ना, माइनस सम ऑफ रूट के साथ एक्स है और प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट है ना, ऐसी है। हाँ, ठीक है। सो माइनस सम ऑफ रूट के साथ एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट = 0, सो x² - सम ऑफ रूट वॉज 5, x + प्रोडक्ट ऑफ रूट इज -6, तो ये भी नेगेटिव हो जाएगा, तो -6 = 0, दिस इज आवर बन गई, रिक्वायर्ड इक्वेशन। समझ आया, देखो हमने ठीक क्या है। किया, पुरानी इक्वेशन ली, उसमें से अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा निकाले, फिर हमने जो एक गिवन रूट से उनको खुद से ऐड किया, और ऐड करके उसमें जो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यूज बन रही थी वो प्लॉट करी, उससे हमारे पास नए सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट आए, उससे इक्वेशन बना दी, दैट इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। क्लियर ठीक है, और ऐसे पार्ट्स में भी करना है। जी, सब जगह आपने अल्फा बीटा, अल्फा इंटू बीटा ढूंढना है, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा, बस वो अप्लाई करना है। ठीक है, क्लियर ठीक है, है, हाँ, और फिर बाकी पार्ट्स ऐसे ही होंगे और एक्सरसाइज भी ऐसे ही होगी। एक्सरसाइज बी में देख लेते हैं और क्या है इसके अंदर, और कोई यही है टॉपिक है, जैसे ये वाला क्वेश्चन देखो, इसमें क्या कह रहे हैं, कोई एग्जाम्पल 3 भी इसमें, देख लेते हैं। ठीक है। जी, इस एग्जाम्पल में इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x² - 7x + 9 = 0, देन फॉर्म एन इक्वेशन व्हिज रूट्स आर 2 अल्फा एंड 2 बीटा। देखो यहाँ पे रूट्स 2 अल्फा और 2 बीटा दिए हुए, तो इसका मतलब बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन है ये भी, कि जिसमें आपको नए रूट्स जो गिवन है वो 2 अल्फा और 2 बीटा है, तो अच्छा, ये तो फिर पहले सिमिलर है ये। ऐसे किया था, अल्फा और बीटा निकाले, सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट निकाल लें, उसके बाद फिर 2 अल्फा 2 बीटा का वो सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट निकाल के जो पहले अल्फा बीटा का वो वैल्यू आई थी हाँ, वो उसको। पुट करें और फिर न्यू इक्वेशन फॉर्म कर लें। ठीक है, सेम ही है ये भी, कोई फर्क डिफरेंस नहीं है। सो ये ठीक, तुम्हारे पास एक्सरसाइज है भाई, सिंपल है। ठीक हाँ, है, बोलो तो ठीक मैं है। नेक्स्ट टॉपिक शुरू कराऊँ। अभी हमारी जो क्लास है उसमें कितना टाइम है,
14 मिनट्स हो गए हैं अभी तक, सिर्फ 14 14 मिनट्स हुए हैं तो टाइम है अभी, बहुत अभी तो देखते टाइम है, अच्छा टाइम हो रहा हैं। है पर... चलें ठीक, सिंथेटिक डिवीजन का टॉपिक शुरू करते हैं फिर। अच्छा कोई क्वेश्चन समझना है उसी एक्सरसाइज में तो भेज दूँ ना आपको, टाइम हाँ हाँ लेने के भेज लिए। दीजिएगा, व्हाट्सएप पे भेज दीजिएगा मुझे। ठीक है, अच्छा ये ठीक है बताएं, आपको सिंथेटिक डिवीजन आपने प्रीवियस क्लास में नहीं किया था क्या? ये, अब सिंथेटिक डिवीजन क्या है सर? अच्छा यहाँ पे अजीब सी तस्वीर बनी हुई है। वो मैं समझा देता हूँ आपको। लॉन्ग डिवीजन तो याद है ना, दो इक्वेशंस को लॉन्ग डिवीजन कैसे करते थे? हाँ सिंथेटिक डिवीजन जो है ना, एक समझ लो जैसे मैजिकल मेथड नहीं होता कि जल्दी से आपको आंसर दे देता है, और क्विक मेथड है ये डिवीजन का। ठीक है, ठीक है। तो ये हाँ डिवीजन मेथड जो हमारे पास है वो एक डायरेक्टली दे देता है आंसर, इसका नाम है सिंथेटिक डिवीजन। कोई इतना मुश्किल नहीं है, अभी बता देता हूँ इसको करने का तरीकेकार। ऐसा करते हैं, पहले मैं ये पॉलिनोमियल्स एक जगह पे नोट कर लेता हूँ जिनको हमें डिवाइड कराना है, और फिर मैं आपको ये सॉल्व करके दिखा देता हूँ। ठीक है, तो ठीक, या तो आप ऐसा करना कि क्लास एंड हो जाए, अगर कोई बात नहीं समझ आए तो आप, खैर रिकॉर्डिंग में देखता हूँ, अगर मैं भेज सका तो मैं भेज दूंगा, लेकिन इसकी रिकॉर्डिंग आपको मैं व्हाट्सएप पे तो भेज नहीं सकता, सो अच्छा इसको इसके लिए मुझे। क्या मुझे जैसे है इसके लिए मुझे साइन इन करना पड़ेगा अगर मुझे रिकॉर्डिंग देखनी हो तो? नहीं बेटा, रिकॉर्डिंग ऐसे नहीं होगी, रिकॉर्डिंग मेरे पास लैपटॉप में सेव हो जाएगी। ये जो रिकॉर्डिंग होती है हाँ ना, ये मैं जैसे लैपटॉप को ऑन छोड़ दूंगा ना, इंटरनेट ऑन छोड़ दूंगा, तो जैसे ही मैं कॉल एंड करूंगा, ये आधे घंटे के अंदर खुद ही प्रोसेस होके मेरे पास सेव हो जाएगी। अब मैं इसको आपको भेजने के जो स्टेप्स हो सकते हैं, या तो मैं आपके पास किसी फाइल ट्रांसफर के मेथड के थ्रू आपको भेजूँ, या फिर ये होगा कि मैं डायरेक्टली यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा ऐसे ही रिकॉर्डिंग के नाम से, रिकॉर्डिंग वन या कुछ भी, तो मैं उसको फिर बाद में जो है ना वो लिंक भेज दूंगा उसका, तो वो तुम देख सकोगे। ठीक ठीक है, तो है। ये है, बहरहाल अभी ये करते हैं कि आपको ना मैं ये समझा देता हूँ। एक स्क्रीन शेयर थोड़ा सा डिफरेंट कर देंगे, मैं पहले ये नोट कर लूँ कि हमारे पास क्वेश्चन क्या है, मैं पहले वो नोट कर लूँ। चलिए, क्वेश्चन है, (5x^4 + (x^3 - 3x) 5x^4 अच्छा जी, मैं अभी स्क्रीन शेयर चेंज करने लगा। जी भाई, अब आपको स्क्रीन शेयर डिफरेंट हो गया नज़र आ रहा है, जी हाँ वन नोट स्क्रीन पे नजर नज़र आ रहा है आपको। आ जी, तो रहा। ये हमारे पास ना दो इक्वेशंस को डिवाइड करना है। जब आप डिवाइड कर देते हैं, उसका तरीकेकार याद है, उसमें तो आप क्या करते थे कि (x-2) यहाँ पे रखते थे, और जो है ना इक्वेशन को, ये बल्कि कलर थोड़े से इसके इतने अच्छे नहीं लग रहे मुझे, ये कलर्स ज्यादा तंग तो नहीं कर रहे आपकी आंखों? मैं इसको चेंज कर दूंगा। नहीं कर रहे, ठीक है। हाँ अच्छा जी, तो (x-2) नहीं है तो बिल्कुल ही नहीं नजर आएगा, ये ब्राइट हो जाएगा थोड़ा, ये सही है। तो (x-2) और इसको 5x4 इधर रखते थे, (x³) इधर रखते थे, और (-3x) इस तरीके से सॉल्व करते थे ना, याद आ रही है ये बात? सो अब आपको क्या करना है मुझे कि बिल्कुल भी जी क्या कह रही हैं, मुझे नजर नहीं आ रहा आपका ब्राइट रेड। मैं वही कह रहा हूँ ना कि इसमें मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर देता हूँ इसका, इस कलर ठीक है, कॉम्बिनेशन जो है ना वो ठीक नहीं है। एक मिनट,
चलो अब जरा सुकून से ये नजर आ जाएगा इस पे। एक मिनट अभी भी जो है ना वो कलर डार्क में ही ले जाते हैं। बेटा अच्छा जी, कौन सा कॉम्बिनेशन सही लग रहा है? बस यही ठीक है। ये वाला ज्यादा सही नहीं, ग्रीन में ये सही है। चलें ठीक है। बस यही। अच्छा जी, मैं ये बात कह रहा था कि जैसे हम डिवाइड करते थे तो याद है आपको कि ये जो डिवीजन में हम कौन सी वैल्यू कहाँ रखते थे? ठीक है, अब हमें इसमें सिंथेटिक डिवीजन में, जी छोटी बेटा, पावर वाला, बड़ी पावर वाला को छोटी पावर वाला बाहर। हाँ, लेकिन वही है कि बाय का भी तो एक फर्क होता था ना, जिससे डिवाइड करना वो बाहर आता था। ठीक है, ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है हमें ना, सिंथेटिक डिवीजन के अंदर सबसे पहले ये जो जिससे डिवाइड कराना है ना उसको देखें सबसे पहले। तो ये अगर x माइनस टू है इक्वल्स टू 0, सो x क्या होगा? इक्वल्स टू 2 होगा। सही है, ये आपके पास स्टेप्स हो गया। पहला स्टेप आपने x इक्वल्स टू 2 निकाल लिया। जैसे आप वो फैक्टर थ्योरम अप्लाई करते थे, याद आ रही है ये बात? हाँ ठीक है। सो वही वाले स्टेप है कि पहला आपने निकाल लिया x इक्वल्स टू 2, आपके पास आ गई x इक्वल्स टू 2। अब आपने क्या करना है कि हाँ यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करें, यहाँ पर लाइन ड्रॉ करें, ठीक है, यहाँ पर लाइन ड्रॉ करें, और फिर और ये जो आखिरी ओके। वाला है ना यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर दें। ठीक है, अभी पूरा बताता हूँ क्या स्क्वायर करें। हाँ, आपने जैसे भी बनाओ यार, इसमें कोई इतनी वो नहीं होती। ऊपर कहाँ आपने वैल्यूज रखनी है, ये ऊपर वाली लाइन आप मिटा भी सकते हो, जैसे ऐसे बना दो बस। करना ये है ठीक कि है। यहाँ पे एक्स की पावर 4 है। अब एक्स की पावर हाँ 4 के बाद अगर एक लॉजिकल एक पॉलिनोमियल बनाओ, तो एक्स की पावर 4 के बाद एक्स की पावर 3 आता है, एक्स की पावर 2 आता है, एक्स की पावर 1 आता है, एक्स की पावर 0 आता है ना? ऐसे ही है ना? हाँ ठीक इसका है। मतलब हमारे पास इसके अंदर टोटल 5 नंबर्स होने चाहिए थे। शो कितने हो रहे हैं? 3 शो हो रहे एक हैं ना। दो तीन अच्छा, यहाँ पर लिखो 2, जो आपने x इक्वल्स टू 2 निकाला था वो 2 यहाँ लिख दो। ठीक है। अब क्या करो, हमारे पास ये जो 5 नंबर होने चाहिए थे और इसकी जगह जितने हैं ना, अभी उनकी वैल्यूज लिख दो यहाँ पर। कितनी है? पहली वैल्यू 5, फाइव दूसरी वैल्यू है, तीसरी वैल्यू नहीं है उसकी जगह क्या लिखो? 0। चौथी वैल्यू है उसकी जगह लिख दो, और फिर पांचवी भी नहीं है। ठीक है, यानी हाँ बेसिकली एक्स की पावर 4 का कोफिशिएंट था, 3 का था, 2 का नहीं था, वो 0 लिख दिया। एक्स की पावर 1 का कोफिशिएंट था और एक्स की पावर 0 का कोफिशिएंट, ये लिखने नहीं होता, सिर्फ आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ। ठीक है, अब ठीक आपने क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप ये कि 2 को इधर डायरेक्टली भेज दो पहले तो। ठीक है, ठीक और अब एक मिनट, सॉरी सॉरी सॉरी, मैंने एक स्टेप शायद मिस कर दिया, एक है। मिनट। सॉरी, गलत बोल गया मैं वही बोल रहा था, मैंने एक स्टेप गड़बड़ कर दी। हाँ, हमें सॉरी 2 को नहीं भेजना था, गलत कर दिया मैंने। ये जो 5 है ना, पहले वाली वैल्यू ऐसी नीचे उतर आती है। ठीक है, ठीक है। ये 5 वैसे ही उतर गया। अब आप क्या करोगे, ये जो वैल्यू है ना इससे मल्टीप्लाई करोगे और इसे यहाँ रखोगे विद इट्स 10 साइन। हो गया। 2 5 10। अब यहाँ पे दोनों का हाँ साइन क्या है? पॉजिटिव है ना, तो ऐड हो जाएंगे। आपने साइन में कोई चेंजेस नहीं करने कुछ, ठीक है। इलेवन तो 1 और +10 कितना आ गया? 11। फिर 22 अब आ जाएगा 22
अब और फिर 22 में 22। 0 ऐड करेंगे तो 22 ही हो जाएगा वापसी नीचे। ठीक है, ठीक है, अब 22। 22 में फिर 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 34। 44 - 3 41, हाँ, 40 जाएगा। सही है। और 41 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 82 बन 82, रहा है। और 82 हाँ, ऐसे ही नीचे आ जाएगा। आपको पता, साइड पे क्यों रखा हुआ है जहाँ पे लाइन है? बस ये आखिरी जो वैल्यू होती है ना, ये हाँ। ध्यान में रखना, ये जो लास्ट वैल्यू है ना हमारे पास, जो भी आ रही है बच रही है, दिस इज आवर रिमाइंडर। तो लास्ट वैल्यू है वो रिमाइंडर बन गई। लास्ट वैल्यू हमेशा रिमाइंडर होगी, ठीक है। अच्छा, और ये जो होगा ना, ये हमारा होगा क्वोशंट। ये क्या होगा? क्वोशंट मतलब जो हमारे पास डिवीजन में, भाई नीचे लास्ट में जो बचता है, दिस इज कॉल्ड रिमाइंडर। जो हमारा डिवीजन का आंसर होता है उसे क्वोशंट कहते हैं। अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने जब डिवाइड किया, आपके पास जो फाइनल आंसर आएगा वो आएगा, अच्छा आप 1x की पावर कम कर दो, इसी पावर 4 थी ना, अब ये जो वैल्यूज बची ना, इन सब के साथ एक्स की पावर 1 कम करके रखो, यानी 3, फिर फिर 2 हो जाएगा, टू, फिर 22 की पावर 1, फिर 41। बस बस दैट्स इट। 82 को छोड़ देंगे। हाँ वो रिमाइंडर होगा। तो सही है। ये है बेसिकली जो आपने काम किया इसमें, आपने यानी डिवीजन कर दिया वो जो जो आप काम, और आप किसी को चेक करना चाह रहे हो ना कि आपने सही किया गलत किया, तो आप क्या करोगे, आप डिवाइड कर दो। एक्चुअली एक्चुअल डिवीजन के नतीजे में आपके पास क्या आंसर आ रहा है आपको पता लग जाएगा, यही आ रहा है नहीं आ रहा, चेक करें। आप करें चेक, ये आंसर है हमारा। हाँ जी तो आपने वैसे एक्स की पावर कम क्यों की? बेटा, जब आप डिवीजन करते हो, 1x की पावर कम हो जाती है ना, जैसे x-2 से आपने किया तो 1x की पावर कम हो गई। हाँ, ठीक है, तो ऐसे ही होता है। हाँ चेक करना चाह रहे हो, x-2 से डिवाइड कर दो इस पूरी वैल्यू को जो आपके पास थी, क्या थी, 5x की पावर 4 फाइव। हाँ, प्लस x³ - 3x। ठीक है। सो बेसिकली देखो, मैं अब इसमें वो पूरा स्टेप आपको रिकॉल करवा दूं, मसला ये है कि उसमें हमारा टाइम वेस्ट हो जाएगा, बजाय इसके कि वो रिकॉल करें, आप इसको देख लो कि ये आपको समझ में आ गया सही से या नहीं आया। ठीक है, ये तो आ गया। बस ये स्टेप्स हैं इसके, शुरू में आज आप ऐसा करो, सिर्फ सिंथेटिक डिवीजन पे फोकस करो, ठीक ठीक है। है। इसके क्वेश्चन जो भी हैं, मैं 1 मिनट दोबारा स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ आपके पास। क्वेश्चन नहीं है एक्सरसाइज का, सिंथेटिक डिवीजन वाला। पहला वाला पार्ट देखो, इसका आंसर हमारा वही आ रहा है ना, 5, 11, 22, 41। इन्होंने फाइनल आंसर क्या लिखा है देखो, क्वेश्चन उन्होंने भी क्या यही लिखा है, लिखा वही है। लिखा है 5x³ + 11x² + 22x + 41, और रिमाइंडर 82। सेम वही काम किया है ना बेटा। यार, अब ये ध्यान में रखना, अगर किसी कोई नंबर अगर फैक्टर है और फैक्टर से डिवाइड करते हो तो फिर रिमाइंडर 0 आता है। यहाँ पर अभी फैक्टर तो नहीं दिए ना आपको एग्जैक्टली, क्या इसलिए कह रहे थे रिमाइंडर आप? 0 नहीं। भाई फैक्टर थ्योरम याद है क्या था? ये एक्स की वैल्यू निकाल ली होती हमने। एक्स की वैल्यू सपोज करनी होती है, और जिसपे जीरो आता है तो हाँ, वो तो उसका वो फैक्टर। हमारे पास फैक्टर होता है, बेसिकली फैक्टर से रिमाइंडर 0 आता है, ये बात समझ आई? ठीक तो है। बस वो तो हाँ, एक अलग चीज थी। अभी फिलहाल यहाँ पे पहले तो सिंथेटिक डिवीजन ही किया हुआ है, या ये भी सिंथेटिक डिवीजन का क्वेश्चन है। आप देखोगे यहाँ पे कोफिशियंट्स 1, 4 वाला था ना, तो 1, 0, -1 ये कैसे आए, आपको सारी चीजें वही पिछले वाले ठीक सवाल जो एग्जाम्पल बताई ना वैसे ही, तो खास डिफरेंस है। नहीं है। सो आप ये देखो, शुरू की 1-2 एग्जाम्पल देखो, फिर नहीं समझ आती कोई बात, अभी नेक्स्ट क्लास में आप पूछ लेना मुझसे, आप व्हाट्सएप पे भी ठीक है। मुझसे और पूछ सकते हो चीज़ें। अननोन है, उसके बाद अननोन और क्या है, वैल्यू ढूंढने वाला। हाँ वो इसमें आ रहा है ना, जैसे ये क्वेश्चन है, इसमें एक एच लिखा हुआ है ना, बोल रहे हैं कि हाँ, ये फाइंड द वैल्यूज ऑफ अ नोन इफ जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल आर गिवन।
जीरो क्या है पॉलिनोमियल का, क्या मतलब समझ रही है? बेटा पॉलिनोमियल का जीरो का मतलब है कि जो लास्ट वैल्यू होती है ना, जिसमें एक्स की पावर जीरो होती है, वो वाली वैल्यू अगर कोई और अननोन के हिसाब से दे दे, ठीक है। जैसे सही है। यहाँ पे एक्स स्क्वायर था, एक्स की पावर 1 था, फिर एक्स की पावर 0 की जगह उन्होंने 7h लिख दिया ना, ठीक है ठीक समझ आई बात। तो लास्ट में इन्होंने क्या किया, जो रिमाइंडर था बेसिकली वही एक्स की पावर 0 की जगह आया था ना, 7 - 7h बच रहा था यहाँ पे, ठीक है। तो उन्होंने 7 - 7h को इक्वल्स टू रिमाइंडर की जीरो जगह कर 0 से कंपेयर कर दिया, और फिर आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। ठीक है। चलो भैया मैं तो क्लास फिर वाइंड अप ऐसे ही करूँ, आगे एक और भी है आप देख लेना, ये मेरी बेटी आ ठीक गई है, है ठीक मुझे तंग कर रही है काफी ना। है। ओके चलो अभी मैं वाइंड अप करता हूँ, फिर ये जो भी रिकॉर्डिंग होगी इसको सेंड कर दूंगा आपको, वैसे तो इंशाल्लाह आपको वैसे ही समझ में आ जाएगा। ठीक है, आप बस कोशिश हाफिज। करो, और फिर नेक्स्ट क्लास इंशाल्लाह फिर करते हैं एक आध दिन में, मुझे आप बता देना। ठीक, वैसे तो व्हाट्सएप पे भी पूछ सकते हो क्वेश्चन। हाँ मैं रोजाना अवेलेबल होती हूँ, रात को करना चाहे तो रात को कर ले, दिन में करना चाहता तो दिन में कर ले, मैं तो वैसे फारिग हूँ। अच्छा चले, वहाँ हाँ पे सब सेट है। सब कुछ ठीक है। चले ठीक है, अल्लाह बाय, हाफिज़। अल्लाह हाफिज।